आज से हम प्रॉपर वे में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जैसा कि आप सभी का कहना था कि प्लीज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर वीडियोस बनाएंगे, तो आज से हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को भी कवर कर रहे हैं। जिस तरह से हमने प्रोफेशनल एथिक्स, हमने एडीआर और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को कवर किया, उसी मैनर में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे इन वीडियोस को फॉलो करते हो तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। मैं भी जब अपने कॉलेज में था तो मुझे भी हार्ड लगता था, लेकिन हम इसे इस तरह से समझेंगे प्रॉपर केस लॉज के तहत कि आपको हर पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए और आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट फील करें, राइट। तो क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो हम आज इस वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बेसिक मीनिंग को समझेंगे। हम समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या है हमारे लिए, राइट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स दो वर्ड्स हैं, एक है इंटरप्रिटेशन और दूसरा है स्टैट्यूट्स। तो सबसे पहले हमें इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझना है और एक बार हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझ गए हैं तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। देखो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, तो इंटरप्रिटेशन का लिटरल मीनिंग है एन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो या उसे समझने की कोशिश करते हो तो ये जो एक्ट है इंटरप्रिटेशन कहलाता है, राइट। इट इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। और वी कैन से इट इज ऑल अबाउट डीकोडिंग द थिंग्स इन ऑर्डर टू नो देयर एग्जैक्ट मीनिंग। किसी चीज के एग्जैक्ट मीनिंग को समझने के लिए जब हम उसे डीकोड करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, इट इज ऑल अबाउट डीकोडिंग द थिंग्स इन ऑर्डर टू नो देयर एग्जैक्ट मीनिंग, राइट। स्टैट्यूट्स क्या होते हैं? स्टैट्यूट्स बेसिकली रिटन लॉ होते हैं, लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, इनैक्टमेंट्स क्या कहलाते हैं? स्टैट्यूट्स कहलाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मीन्स अ प्रोसेस बाय विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, राइट। तो यह है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हियर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज एक्ट्स मेड बाय लेजिस्लेचर। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारा फोकस
बेसिकली इसी बात पर रहता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, लॉ मेकर्स कहना क्या चाहते हैं, राइट। इट इज एन एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, राइट। बेसिकली जब हम फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, राइट, जिसमें लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन है, जुडिशियरी एक ऑर्गन है और लास्ट है हमारा प्रेस, राइट। सबका अपना अपना रोल है और सभी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, राइट। सभी एक दूसरे के वर्क को चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे नेशन में, राइट। लेजिस्लेचर का काम क्या है, वी ऑल नो, टू मेक द लॉज, लॉ बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर का है। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो है वो इस बात पे फोकस करती है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है उन लॉज का प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, बाय एग्जीक्यूटिव वी मीन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। अब जो जुडिशियरी है इसका जो वर्क है वो बढ़ जाता है, इसका दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि जुडिशियरी क्या करती है, जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है उन्हें चेक एंड बैलेंस करने का काम करती है जुडिशियरी। ये इंश्योर करती है, क्योंकि जुडिशियरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशियरी ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं वो किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट में ना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में लॉज ना बनाया जाए। तो बेसिकली लेजिस्लेचर के आर्बिट्ररी एक्शंस पर कंट्रोल करने का काम जुडिशियरी करती है, सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कराने का काम जुडिशियरी का है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशियरी का है, और जो भी लॉज, जो भी स्टैट्यूट्स, जो भी इनैक्टमेंट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उनका इंटरप्रिटेशन करने का जो काम है वो भी जुडिशियरी का है, राइट। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मेड बाय लेजिस्लेचर इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशियरी, राइट। इंटरप्रिटेशन का सिंपल मतलब है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, टू डिराइव आउट मीनिंग। राइट, इंटरप्रिटेशन मीन्स टू एक्सप्रेस, राइट। इंटरप्रिटेशन मीन्स the art of finding out the true sense of an enactment by giving the words of enactment their natural and ordinary meaning. Interpretation basically एक art है, जिस art के तहत हम क्या करते हैं, जो भी enactment, जो भी statutes legislature के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी words उसमें use किया गया है, उन words के natural और उन वर्ड्स के ऑर्डिनरी मीनिंग को हम समझते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि लेजिस्लेचर लॉज बनाते समय जो चीज कहना चाहती थी हम उसे उसी मैनर में डिराइव कर रहे हैं, उसी मैनर में समझ रहे हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन कैन बी असर्टेन्ड। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां मैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद नोट्स डाल दिया हूं, ठीक। तो अब जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय जुडिशियरी, राइट। तो हमने समझा कि इंटरप्रिटेशन बेसिकली जुडिशरी का एक की फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रोविजंस,
जो भी लीगल प्रोविजंस पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर बनाता है, उन लीगल प्रोविजंस के मीनिंग को डिराइव करने के लिए द प्रोसेस बाय विच कोर्ट गिव्स ट्रू एक्सप्रेशन टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के समय जो जुडिशरी है वो इस बात पे फोकस करती है कि जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का वो डिराइव किया जाए, राइट। द कोर्ट इंप्लॉयज वेरियस टूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इवॉल्व बाय द पीरियड ऑफ टाइम बाय द कोर्ट्स। और इन इंटरप्रिटेशन के लिए जो कोर्ट है वो वेरियस टूल्स को अडॉप्ट करती है ताकि जो इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर है वो डिराइव किया जा सके। जुडिशरी यहां अपने वर्ड्स में इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी, जो भी वर्ड्स थे लेजिस्लेचर के, लेजिस्लेचर क्या कहना चाहता था इन लॉज के माध्यम से, उसके इंटेंशन को डिराइव करने के लिए जुडिशरी क्या करती है, टाइम टू टाइम वेरियस टूल्स अडॉप्ट करती है टू ड्रॉ द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर की लेजिस्लेचर इन लॉज के माध्यम से क्या कहना चाहती है। The courts, while dealing with problems before them, use the existing tools as well as invent new principles. So basically, courts क्या करती हैं? Existing as well as new tools को adopt करती हैं for the purpose of interpretation. The process of interpretation employs the machinery of courts, the judges, the lawyers, the experts to bring out the exact and congenial meaning to words of statutes. So basically. इंटरप्रिटेशन में वेरियस पर्सनालिटीज इंगेज होती हैं, जिसमें कोर्ट्स हैं, राइट, कोर्ट्स मींस जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जो उन स्टैट्यूट्स के एग्जैक्ट और कॉन्जेनियल मीनिंग को डिराइव करने का काम करती हैं। कॉन्जेनियल मींस फ्रेंडली, प्लीजेंट, जो मीनिंग लॉज बनाते समय लेजिस्लेचर बताना चाहती थी उन्हीं सेम मीनिंग को ये लॉ एक्सपर्ट्स, ये जजेस, ये एडवोकेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ लेजिस्लेचर। कोई एडिशन, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं, राइट। अब हम समझते हैं कि साल्मन किस तरह से इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन को हम किस तरह से समझेंगे, और एट द एंड हम एक केस लॉ भी देखेंगे, राइट। तो साल्मन कहते हैं, साल्मन कहते हैं इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। इंटरप्रिटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके तहत जो कोर्ट्स हैं वो लेजिस्लेचर के मीनिंग को असर्टेन करने की कोशिश किया जाता है। It is the process by which court seeks to ascertain the meaning of legislation through medium of authoritative forms. Authoritative forms के माध्यम से, अब यहां पे जो authoritative forms हैं वो हैं judges, वो हैं advocates, वो हैं law experts. Right. So these are some authoritative forms जिसके तहत interpretation करने का काम किया जाता है ताकि जो लेजिस्लेचर है उसके एग्जैक्ट इंटेंशन को डिराइव किया जा सके। ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं, द मोस्ट फेयर एंड रैशनल मेथड फॉर इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट इज बाय एक्सप्लोरिंग। ठीक है, ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं, द मोस्ट फेयर एंड रैशनल मेथड फॉर इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट is by exploring, क्या explore करते हैं, the intention of legislature through text, तो हम text के माध्यम से जो भी law में जो भी words use किए गए हैं उनके माध्यम से हम legislature के intention को derive करें, subject matter को derive करें, effect and consequences, ठीक है, spirit and reason of law। तो इस तरह से ब्लैकस्टोन डिफाइन करते हैं इंटरप्रिटेशन को, द मोस्ट फेयर एंड रैशनल मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज बाय एक्सप्लोरिंग फोर थिंग्स, पहला इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, फोर्थ वन इज
स्पिरिट एंड रीजन ऑफ लॉ। अब एक लास्ट में हम केस लॉ देखते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन मैनशेल वर्सेस ओलिंस, मैनशेल वर्सेस ओलिंस। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मैनशेल वर्सेस ओलिंस के केस में ये ऑब्जर्व किया कि इन फुलफिलिंग देयर टास्क ऑफ अप्लाइंग द लॉ टू द फैक्ट बिफोर देम, यानी बेसिकली जुडिशरी के टास्क के बारे में बात किया जा रहा है। तो इन फुलफिलिंग देयर टास्क ऑफ अप्लाइंग द लॉ टू द फैक्ट बिफोर देम, कोर्ट फ्रीक्वेंटली हैव टू इंटरप्रेट, यानी कोर्ट्स को टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करना होता है स्टैट्यूट्स को, यानी उनके मीनिंग को डिराइव करना पड़ता है, जो भी फैक्ट्स उनके सामने समय समय पे आते हैं जिनके इंटरप्रिटेशन को लेकर के क्लैरिटी नहीं होता है अमंग द पीपल और अमंग द अथॉरिटीज। व्हाइल इट इज ट्रू टू द फैक्ट दैट इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट शुड प्रिवेल, तो इंटरप्रिटेशन करते समय जुडिशरी को यह ध्यान में रखना होगा कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को पहले प्रायोरिटी दिया जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। द कोर्ट्स हैव टू अडॉप्ट नंबर ऑफ कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटीज, तो किसी प्रकार का कोई गलतफहमी ना रहे उसके लिए इंटरप्रिटेशन के समय कोर्ट्स क्या करती हैं, वेरियस मेथड्स को अडॉप्ट करती हैं, लेकिन यह ध्यान जरूर देती हैं कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो प्रिवेल करेगा। और कोर्ट्स क्या करेंगी, समय समय पर वेरियस टूल्स को अडॉप्ट करती रहेंगी। तो ये कहा गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन मैनशेल वर्सेस ओलिंस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है और किन मायनों में ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, क्यों लोग इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज करते रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।